नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने तथा उनको आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत करने के उपाय शासन के निर्देश पर चलाए जा रहे मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत जनपद में नियुक्त 30 महिलाएं मुख्य आरक्षकों व आरक्षियों को 15 दोपहिया वाहनों पर सवार महिला थाना अध्यक्ष व उनकी पूरी टीम के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गयी। रैली को पुलिस ऑफिस से पुलिस अधीक्षक काजल द्विवेदी ने क्षेत्राधिकारी शिल्पा कुमारी के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के प्रमुख चौराहों व मार्गों से निकली। रैली में सम्मिलित स्कूटियों पर चस्पा स्लोगन, जिस पर मिशन शक्ति, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एवं विभिन्न प्रकार के आपातकालीन सेवाएं तथा उनके नंबर के बारे में जानकारी दी गई। रैली के माध्यम से शहर की महिलाओं, लड़कियों एवं बच्चों में सुरक्षा की भावना जागृत की गई। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी भगोली विकास जायसवाल, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु शिल्पा कुमारी आदि लोग मौजूद रहे। ये मिशन शक्ति के तहत हरदोई पुलिस द्वारा 30 महिला कांस्टेबल जो कि 15 बाइक्स पर हैं, उनके द्वारा एक रैली निकाली गई है जो कि शहर के सभी प्रमुख सड़कों एवं चौराहों से होकर के गुजरेगी। इस यात्रा का मकसद ये है कि जो भी इन्हें देखे वो अपनी पूरी महिला फोर्स से महिलाओं एवं बच्चियों में एक सुरक्षा की भावना जागृत हो, वह एक जन जागरण भी हो कि शासन एवं जनपदीय पुलिस महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा के लिए। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।